क्वेश्चन 13 इससे मुझे दिया हुआ है कि एक कोन हमें एक कोन दिया गया है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है कोन में ध्यान दीजिएगा हाइट 24 सेंटीमीटर है और इसके बेस की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। मुझे कहा गया है इस कोन को मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया गया है, एक स्फीयर बना दिया गया है जिसकी मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। मुझे इस स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो देखिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कोन को अगर रिकास्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है तो दोनों में क्ले इक्वल होगा या दोनों में क्ले का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो या वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। कोन की रेडियस को हम यहाँ आर वन बोल देते हैं और स्फीयर के रेडियस को आर टू बोल देते हैं ताकि हम गलती से उल्टी पुल्टी रेडियस ना पुट कर दें। हाइट सिर्फ कोन में ही मेरे पास है तो वो मैं पलट कर पुट कर ही नहीं पाऊंगा, उल्टी नहीं पुट कर पाऊंगा, एक ही हाइट है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे पाए से पाए, 3 से 3, लेफ्ट राइट कैंसिल है। R1 जो कि कोन की रेडियस है 6 है वो पुट कर देता हूँ। हाइट कोन का 24 है, 4 × उधर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है R2 एज इट इज है। यहाँ अगर आपको R2 निकालना हो तो बाकी नंबर जब आप राइट शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाइंग 4 राइट जाएगा, 4 6 24 नंबर कैंसिल हो गया, क्यूब को राइट ले जाओगे क्यूब रूट हो जाएगा और क्यूब रूट के अंदर अगर 6 नंबर, 6 3 बारी है तो 1 बारी बाहर आएगा, यानी इस स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।